सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे TIET पटियाला थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला की। तो थापर इंस्टीट्यूट हमारे पटियाला पंजाब में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। तो बात कर लें NRF रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 20 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी। सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास NRF 2024 का डेटा है, जो थापर इंस्टीट्यूट ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 2,259 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 1,962 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2023 का लगभग 87% के आसपास रहा। और वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियम सैलरी की, तो 2023 में 11.89 LPA रहा। इसी के साथ हमारे पास और भी कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके हिसाब से इन्होंने जो प्लेसमेंट परसेंटेज रिपोर्ट किया है अपने सभी UG कोर्सेज को मिलाकर 83% का, 11.9 LPA का इन्होंने एवरेज पैकेज बताया है और 55.75 LPA का हाइएस्ट CTC। इसी तरीके से अगर हम कुछ सेक्टर वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो कोर कंपनीज में अगर बात कर ले तो 9.03 LPA का एवरेज पैकेज रहा, 22 LPA का हाईएस्ट पैकेज। अगर IT सेक्टर में बात कर ले तो 9.79 LPA का आपका एवरेज रहा, 13.5 LPA का हाईएस्ट। वहीं पे कंसल्टिंग, जो हम बोलते हैं डेटा कंसल्टेंसी वगैरह जो हमारे हो गए, 11.33 LPA का एवरेज और 21.5 LPA का हमारे पास हाईएस्ट CTC गया है। प्रोडक्ट सेक्टर में अगर बात कर ले तो 14.37 LPA का हमारे पास एवरेज है और 55.75 LPA का हाईएस्ट, जो कि हमारे प्रोडक्ट सेक्टर से ही गया है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो तरीके से हमें एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है। या तो आप JEE मेन के रैंक के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, या फिर क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर। JEE मेन के थ्रू 70% सीट्स रिजर्व है और क्लास 12th के बेसिस पर 30% सीट्स। इसमें आपको फर्दर होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा भी देखने को मिल जाता है। जो भी आपका रैंक है JEE मेन का, या फिर आपका जो क्लास 12th का मार्क्स है, इसके बेसिस पर आप इनके इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए आप डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो और आपके JEE मेन रैंक या फिर क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आपको ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास JEE मेन 2023 लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर अदर स्टेट जनरल कैंडिडेट्स, जिसके हिसाब से लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 44,871 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की देख ही पा रहे हो। इसी के साथ अगर हम क्लास 12th मार्क्स की बात कर ले, तो हमें देखने मिलता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 94.67% पर और बाकी सारे ब्रांचेस की देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। सिर्फ अभी अकेडमिक फी देख रहे हैं, हॉस्टल प्लस में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बात कर लो ट्यूशन फी और जो अदर फी पर सेमेस्टर है, इसमें थोड़े से आप तीन कैटेगरी देखोगे। जो फर्स्ट कैटेगरी है ट्यूशन फी में 2,29,500 पर सेमेस्टर का, इसमें आपको सभी ब्रांचेस जो देख रहे हो मिल रहे, COE हो गया, चाहे CAC, CSBC, सभी आपके कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस हैं। इवन अगर ENC की भी बात कर ले तो ये आपका बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट कैटेगरी कंप्यूटर वालों की है और सेकेंड कैटेगरी सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिवाय BT। BT है आपका बायोटेक्नोलॉजी और RAI है आपका, जो कि सिमिलर टू आप इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हो, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वरना बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं। और बाकी 1,61,500 जो देख रहे हो, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस हो गए। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं ट्यूशन फी भी दिया गया, अदर फी भी दिया गया। तो सभी को अगर इन टोटल कर ले तो आपका 4 साल का बीटेक जो होगा लगभग 24 लाख के आसपास का, 4 साल में सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक फी, इंस्टीट्यूट फी, आपका जो पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं सिर्फ यही लग जा रहा होगा, यानी कि 24 लाख सिर्फ पढ़ाई लिखाई के 4 साल में। इसी के साथ अगर हॉस्टल प्लस मेस फी की बात कर लें, तो डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का आप रूम ले रहे हो, बहुत वैरायटीज में रूम्स अवेलेबल हैं, मतलब सिंगल सीटर, डबल सीटर, बहुत प्रकार के AC, नॉन AC अटैच्ड वॉशरूम और कॉमन वॉशरूम, जिस प्रकार के भी रूम ले रहे हो, आपका पर सेमेस्टर सिर्फ हॉस्टल फी 37,500 से लेकर 75,000 के बीच में लग रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले मेस फी, यानी कि खाने के, फूड के अगर चार्जेस बात कर ले, तो पर सेमेस्टर 24,000 के आसपास होंगे। तो अगर हम हॉस्टल फी ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए लेकर चलते हैं पर सेमेस्टर, और मेस फी तो एज यूजुअल 24,000 पर सेमेस्टर, उस केस में आपका 4 साल का सिर्फ हॉस्टल प्लस मेस का खर्चा 6 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिला ले तो ऑन एन एवरेज 30 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होता है
चार साल के अंदर। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके पटियाला पंजाब में 250 एकर कैंपस एरिया में काफी शानदार सा काफी खूबसूरत कैंपस प्रोवाइड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, चाहे आप बात कर लो सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, फोर शेयरिंग या फिर अटैच्ड वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, इसी के साथ एसी, नॉन एसी, लगभग हर प्रकार के रूम देखने को मिल जाएंगे, फुल्ली फर्निश्ड रूम्स होने वाले हैं। मैं इसका क्वालिटी भी स्टूडेंट्स ने डिसेंट एवरेज बताया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें क्लासरूम, तो बहुत शानदार आपको क्लासरूम देखने को मिलेगा, फुल प्रोजेक्टर, एसी, मतलब हर प्रकार के फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। एलिवेटेड क्लासरूम्स होंगे, यानी कि स्लैंटिंग वाला जो स्लोप बोलते हो उस प्रकार के सेटिंग अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम होगा, हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। इवेंट्स एंड फंक्शंस की भी बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि लगभग हमें बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कैंपस एटमॉस्फेयर, कॉलेज लाइफ देखने को मिलता है। हर छोटे से बड़े मतलब अच्छे खासे लेवल पे हमें इवेंट्स एंड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो कैंपस में कॉलेज लाइफ कैसा होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, टॉप नॉच होने वाला है। लेकिन जहां शिकायतें हैं स्टूडेंट्स को कि ठीक है फैसिलिटीज काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन फी स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा सा ज्यादा, स्टूडेंट्स ने बताया फी स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ तो ठीक है, वरना फिर भी मतलब काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। मतलब हाई फी तो इनका है ही है एक डाउनसाइड। और अगर दूसरे इनका कॉन्स अगर बात कर ले तो स्टेट कोटा, यहां पर आपको होम स्टेट प्लस अदर स्टेट कोटा दोनों ही देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से एक तो देखिए यहां पर आपको कट ऑफ भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिलता है, होम स्टेट को थोड़ा सा प्रायोरिटी देखने को मिल जाता है। तो खैर ये उतना बड़ा डिमेरिट हुआ नहीं, क्योंकि ये देख लीजिए तो आपको कट ऑफ जो देखोगे होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों में अच्छा खासा जाता है। सिमिलर टू एनआईटीज की भी बात कर लो तो 50% हमें यहाँ होम स्टेट कोटा भी देखने को मिलता है, तो क्राउड फिर भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बट फिर भी इनके स्टूडेंट्स का कहना है कि स्टेट कोटा की वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, बट खैर जो भी है। और दूसरी दिक्कत है इनकी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज लीड टू लार्जर क्लास साइजेस। इनका स्टूडेंट इनटेक बढ़ा है, तो जब भी कैंपस में क्राउड बढ़ता है तो आप समझ सकते हो एलपीयू और वीआईटी वेलोर में किस प्रकार के माहौल होते हैं। अगर आपको और बेटर आइडिया चाहिए तो हमारा एलपीयू और वीआईटी वेलोर का कॉलेज रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वरना अगर बाकी बात कर ले तो 2023 में थोड़े से प्लेसमेंट्स में डिक्लिनेशन देखने को मिला है। रीजन इसका यही है कि थोड़ा सा हमें रिसेशन अभी देखने को मिला था 2023 में, प्रॉपर इसे रिसेशन नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बाकी सारे कंपनीज ने इवन इस साल 2024 बैच में भी देखोगे कि थोड़ा सा प्लेसमेंट डिक्लाइन करेगा अभी इस साल भी, और सभी इंस्टीट्यूट्स में करेगा इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, जो कि इस इंस्टीट्यूट में भी हमें देखने को मिला है। तो इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है, काफी ज्यादा हाई फी स्ट्रक्चर पे बढ़िया आपको कैंपस लाइफ देखने को मिल जाता है, वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ होगा, स्टूडेंट्स की क्वालिटी स्टूडेंट्स बताया काफी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा जो स्टेट कोटा आ जाता है उसकी वजह से बोल सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने, जो भी स्टूडेंट थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इस वीडियो देख रहे अभी तक आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट डे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।